बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम फ्लैशबैक में। दोस्तों, आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर हाजिर हूँ कुछ ऐसी अपडेट्स जो कि फ्लैशबैक बॉलीवुड लाइफ को लेकर है। पर आप भी जानते हैं बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, वैसे तो बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार में हमेशा शामिल रहे जिन्होंने सदियों बॉलीवुड में राज किया और आज भी है। 76 साल की उम्र में उनके दीवानों की कमी नहीं है। यही वजह है कि अमिताभ की अपकमिंग मूवी कौन सी होगी, हाल ही में उनकी कौन सी मूवी रिलीज हुई, इसकी हमेशा बात होती है। पहले आपको याद दिला दें, आखिरी बार अमिताभ बच्चन नजर आए थे फिल्म, एक ऐसी फिल्म में जिसका नाम था नॉट आउट। 102 नॉट आउट फिल्म में अमिताभ ऋषि कपूर के पिता के किरदार में नजर आए थे 102 साल के। तो वही ऋषि कपूर उनसे छोटे उम्र के नजर आए, उनके बेटे के रूप में नजर आए। उस फिल्म को बखूबी लोगों ने पसंद भी किया और अब आने वाली उनकी फिल्म होगी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और ब्रह्मास्त्र। आमिर खान और कैटरीना कैफ के साथ अमिताभ की फिल्म है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और एक और फिल्म है ब्रह्मास्त्र जिसमें आलिया भट्ट और कैसनोवा रणबीर कपूर होंगे। और फिल्मों में व्यस्त रहने वाले अमिताभ बच्चन को अपना बेटा कहकर फिल्म में पुकारने से इनकार कर दिया था एक ऐसी एक्ट्रेस ने जिनका नाम बॉलीवुड में लेजेंडरी एक्ट्रेस के तौर पर शुमार है। वह हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट दौर से लेकर बॉलीवुड रंगीन दुनिया तक अपनी खूबसूरती, अपने नृत्य कला, अपने दीवाने वाले अंदाज, अपने मस्त मौला रूप और कॉमेडी भरे रूप से लोगों का दिल जीतने वाली वन एंड ओनली वैजयंती माला की। जी हाँ, वैजयंती माला ही वो एक्ट्रेस है जिन्होंने अमिताभ और शशि कपूर की माँ का रोल करने से साफ इनकार कर दिया था। भाई ये बात है फ्लैशबैक बॉलीवुड की, यानी कि बॉलीवुड के गुजरे जमाने। लेकिन ये बात किस तरह से सामने आई है, चलिए हम आपको ले चलते अपनी रिपोर्ट्स की तरफ और बताते हैं कैसे ये बात सामने आई। फेमस डायरेक्टर रह चुके यश को चोपड़ा ने अपनी फिल्म के लिए वैजयंती माला को मनाने में कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन जब अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां बनने का रोल वैजयंती को मिला तो उन्होंने इस रोल से साफ मना कर दिया। वैजयंती माला को कतई मंजूर नहीं था कि वो हीरोइन से कैरेक्टर रूप में कभी याद की जाए। यही वजह थी कि उन्होंने कैरेक्टर रोल के लिए हमेशा इनकार किया। अमिताभ की मां बनने वाली थी उस फिल्म में वैजयंती माला, जिससे उन्होंने खुद ही पलड़ा झाड़ लिया। ऐसी जानकारी मिली है कि शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए वैजयंती माला को काफ़ी ज़्यादा मनाने में लगे थे यश चोपड़ा, लेकिन हमेशा अपने नृत्य कला से लेकर अपनी अदायगी से लीड भूमिका में नजर आने वाली वैजयंती ने लोगों के बीच अपनी पहचान बतौर हीरोइन ही बनाने की ख्वाहिश रखी, ना कि कैरेक्टर रोल के तौर पर। सुना ना आपने, जब वैजयंती माला वो एक्ट्रेस है जिन्होंने खुलकर ये बात कही कि वो एक लीडिंग लेडी के तौर पर हमेशा जाने जाना चाहती है बॉलीवुड में, जब भी उन्हें याद किया जाएगा। लेकिन वैजयंती माला आगे किस तरह से बॉलीवुड के फिल्मी पर्दे के एक बेहद ही खूबसूरत जोड़ी के बीच दीवार बन गई थी, इसका सच आज हम आप सभी के बीच लेकर आएंगे। दरअसल बात कर रहे हैं हम बेहद ही खूबसूरत, खूबसूरती की मिसाल ब्यूटी दीवा रह चुकी बेहद ही खूबसूरत मधुबाला की, जिनका नाम आज भी लोगों की जुबान पर जब आता है तो खूबसूरती का एक ऐसा रूप जहन में छा जाता है जिसकी तारीफ के लिए शायद ही वो कोई शब्द बनी हो जो उनकी खूबसूरती को बयां कर सके। उस मधुबाला का रिश्ता बॉलीवुड के लेजेंड यानी कि दिलीप कुमार के साथ कितना खास था, कितना गहरा था, इससे आज कोई अनजान नहीं। लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच एक फिल्म में
पीछ दीवार बनी थी एक्ट्रेस वैजयंती माला। जब मधुबाला को किया गया था आउट और वैजयंती माला हुई थी इन, वाल हम कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं और किस रिश्ते की बात कर रहे हैं, फ्लैशबैक में जाकर चलिए जानते हैं अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम फिल्म देवदास की, जिसमें अपने डायलॉग से वैजयंती माला ने लोगों का दिल जीता। वैजयंती माला एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें बेहद ही खूबसूरत डांसिंग क्वीन के तौर पर भी पहचान ली। बेस्ट सपोर्टिव एक्टर के अवार्ड से उन्हें इस फिल्म के लिए नवाजा गया था। हालांकि वैजयंती ने इस अवार्ड को स्वीकार नहीं किया था। दरअसल वैजयंती का कहना था कि देवदास की जिंदगी में जितनी अहमियत पारो की थी उतनी ही चंद्रमुखी की थी, लिहाजा उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ही मिलना चाहिए। फिर बी आर चोपड़ा ने वैजयंती माला और दिलीप कुमार की जोड़ी फिल्म नया दौर में ही बनाई, जिसमें पहले तो एक्ट्रेस मधुबाला को चुना गया था, मगर दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी नहीं बन पाई। दरअसल मधु के पिता संग बिहार की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद मधु को इस फिल्म में बिहार ने साइन नहीं किया और उन्हें निकाल दिया। वैजयंती को उनकी जगह ले लिया, लेकिन इस वजह से दिलीप कुमार से मधुबाला दूर हटी। वैजयंती माला ने उन्हें अलग किया उनकी जगह लेकर। और इतना ही नहीं, आम्या चक्रवर्ती जी की फिल्म कठपुतली में भी वैजयंती माला की अदायगी को खूब सराहा गया। फिर देखते ही देखते मधुबाला से भी ज़्यादा वैजयंती माला बॉलीवुड में अपने ज़बरदस्त अंदाज को लेकर चर्चा में आ गई। 60 के दशक में लेजेंड दिलीप कुमार के साथ वैजयंती की जोड़ी को खूब पसंद किया गया, लेकिन वो दौर था जब दिलीप कुमार और वैजयंती माला से पहले मधुबाला के साथ उनके रिश्ते की खूब चर्चा थी। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड, जिसमें हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट्स दी बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को लेकर। और इसी के साथ हमने आपको बताया डांसिंग क्वीन वैजयंती माला, जो कि बॉलीवुड की धक धक गर्ल डांसिंग दीवा। माधुरी दीक्षित से पहले ही अपने डांस का तड़का बॉलीवुड ने कुछ इस तरह से लगाई कि लोग बस देखते रह गए थे। राज कपूर के साथ अफेयर के किस्से की बात हो या फिर बात हो डॉक्टर बाली के साथ अचानक शादी करने की, डांसिंग से तड़का लगाने की बात हो या फिर भारत में अपने डायलॉग से लोगों के बीच शान बनने वाली अभिनेत्री की बात क्यों ना हो, बेहद ही खूबसूरत अदाकारा से ड्रामा क्वीन के नाम से पहचान बनाने वाली ब्यूटी दिवा वैजयंती माला की। हमेशा ही वैजयंती माला अपने आप को बेहतरीन एक्ट्रेस साबित करती आई, और उसके बाद वक्त आया था पॉलिटिकल में हाथ आजमाने का। पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमा कर वैजयंती माला ने खुद को एक बेहतरीन पॉलिटिशियन भी साबित किया था, जो आज अपने नृत्य कला को जिंदा खुद में रखती हैं, अपने अंदाज से, अपने मासूमियत से, अपने थिरकने के अंदाज से, अपने फिल्मी सफर से। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया इसी के साथ आज इस प्रोग्राम का यही अंत करने का। तो अब लेते हैं आप सभी से विदा, लेकिन लौटेंगे फिर इसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए देखते रहे आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज, साथ में से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।